हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है संघवाद भाग एक। इस वीडियो में आज हम संघवाद क्या है वह जानेंगे और संघीय व्यवस्था कैसे चलती है वह जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें तो आपको याद होगा कि बेल्जियम संविधान में जो बदलाव किए गए उनमें सरकार की शक्तियों में कमी करना एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए थे। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनके अपने अधिकार थे, पर ये उन्हें केंद्र सरकार ने दिए थे और वे उन्हें वापस भी ले सकती थीं। 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार भी दिए गए। इस तरह बेल्जियम ने एकात्मक शक्ति की जगह संघीय शक्ति अपना ली। श्रीलंका में वास्तव में अभी भी एकात्मक शक्ति है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। चलिए दोस्तों, अब हम संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है देखते हैं। सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती हैं। केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुशंसित इकाइयों के बीच सत्ता होती है। पूरे देश के लिए एक सरकार संघीय शासन व्यवस्था में होती है। संघीय शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है बेल्जियम। चलिए दोस्तों, अब हम एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर पर शासन होता है, इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। ऐसा सिर्फ एकात्मक शासन व्यवस्था में ही हो सकता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है श्रीलंका। चलिए दोस्तों, अब हम संघीय व्यवस्था के विशेषताएं भी जान लेते हैं। यहां सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकार की सहमति से ही हो सकती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। साथ आकर संघ बनाने में संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हो रही है वह देखी जाती है। दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना इसी का एक रूप है। इसमें दोनों स्वतंत्र राज्य अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा एवं खुशहाली का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण हैं: संगठित क्षेत्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। संघीय शासन का दूसरा तरीका है संघों को एक साथ पकड़कर बनाना। बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर
राज्य और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना इसी का एक कारण है। इसके कुछ उदाहरण हैं भारत, बेल्जियम और स्पेन। इस व्यवस्था में अक्सर विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है वह जान लेते हैं। आइए संविधान से ही शुरू करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत को आजादी मिली। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ी भारत में विलीन हो गए। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन का संघ किया था, संघीय सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। चलिए दोस्तों, अब हम विधायी अधिकारों की कुछ सूचियों के बारे में जानते हैं। विधायी अधिकारों की सबसे पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व वाले विषय हैं। विधायी अधिकारों की दूसरी सूची है राज्य सूची। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि एवं सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व वाले विषय शामिल हैं। विधायी अधिकारों की तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह एवं सफलता जैसे कुछ विषय हैं, जिन्हें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के सामान्य अभिरुचि में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में आज संघवाद क्या है वह सीखा और विधायी अधिकारों की सूचियां कितनी है और उनमें क्या क्या विषय शामिल है वह जाना। अब हम अगली वीडियो में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और भारत में विकेंद्रीकरण कब और कैसे आया उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।